इस बेल कलयुग की छोटी सी कहानी इसका बहुत बड़ा दर्द समेटे। इस कहानी की शुरुआत होती है कूड़ेदान से, और ये कोई आम कूड़ेदान नहीं, कलयुग का सबसे फेवरेट कूड़ेदान था, क्योंकि आसपास के ढाबे वाले प्लेटों में बचा खाना बिना पन्नी में लपेटे इस कूड़ेदान में फेंकते थे। और जब बाकी के आम बेचारे बैल रोटी और पन्नी के सैंडविच खाते थे, कलयुग मजे से सूखी रोटी के टुकड़े चबाता था, और ये उसके दिन की हाईलाइट होती थी। लेकिन जब कुछ दिन लगातार बरसात होती रही, तो गले कागज जैसी रोटी खा खा के कलयुग उकता गया और उसने कुछ गलत करने का ठान लिया। अब इसे भली भांति पता था कि किसान के खेत से मक्की चुरा के खाना गलत है, क्योंकि इसने वहां पे बैलों को डंडे खाते देखा था। लेकिन अपना कलयुग ठहरा ढीठ, इसने मक्की को समझा मेन कोर्स और डंडों को स्वीट डिश समझ के खाता रहा। अब बैल छोड़ा डेयरी वाले ने, लेकिन नुकसान हो किसान का, ये तो नाइंसाफी हुई ना। तो किसान भी खेत में छुप के बैठ गया, उसने कलयुग का इंतजार किया। जब कलयुग अगली बार खेत में घुसा, तो किसान ने एक बोतल एसिड इस पे उड़ेल। अब उसने अपना गुस्सा निकाला, बैल को सबक सिखाया, या वो इंसान के रूप में पिशाच था, जो भी हो उसने नर्क में अपने लिए एक स्थान तो पक्का कर लिया। और इसीलिए ये कलयुग भी है, क्योंकि शिवजी पे चढ़ता है दूध और उनकी सवारी पे एसिड। खैर, डॉक्टरी जांच के बाद हमें यही लग रहा है कि कलयुग के ठीक होने की काफी अच्छी संभावना है। इलाज तो इसका यहाँ पे चल ही रहा है, और इसको हम इसकी फेवरेट सूखी रोटी के अलावा हरा घास और केले भी खिलाते हैं। अब देखिए, इन बेचारे जानवरों के पास ना तो नोट की ताकत है और ना ही वोट की, तो अगर आप भगवान से नहीं डरते फिर तो आप इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है भगवान से डर, तो याद रखिएगा कि इस एक इंसानी जन्म में आप कितनों को मारते हैं और कितनों को बचाते हैं, यही निर्धारित करेगा कि आने वाले लाखों जन्मों में आप कितना सुख भोगेंगे और कितनी यातना।